आज के इस वीडियो में हम अल्लाह के दूसरे नबी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा के तीसरे बेटे हैं। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम गमज़दा रहने लगे और अल्लाह से एक नेक औलाद मांगते रहे, तो अल्लाह ने आपको तोहफ़े के तौर पर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अता किया। उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 130 साल थी, इसलिए हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का लकब हुब्बतुल्लाह पड़ा, अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद नबी बने और कई आसमानी सहीफ़े आप पर नाजिल हुई जिनकी तादाद 50 से ज़्यादा बताई जाती है, और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने ही लिखाई का इजाद किया था, यानी सबसे पहले हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने लिखा था। और अल्लाह के हुक्म से हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जानशीन बने, और वो तमाम उलूम जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिए गए थे वो सब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम में मुंतकिल हो गए। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आपको नबुव्वत मिली, और कई दिन तक हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अपने इल्म और तक्वा को दूसरों से छुपाए रखे, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये डर था कि कहीं काबिल को पता न चल जाए और हाबिल की तरह हज़रत शीस को भी कत्ल न कर दिया जाए। और ऐसा ही हुआ, जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जानशीन बन गए तो काबिल की तरफ से आपको कई बार धमकियां मिली, लेकिन अल्लाह हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की हिफाजत करता रहा। इमाम सादिक से नकल है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वफात पाए तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जनाजा पढ़ाने को कहा, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने हमें आपके वालिद को सजदा करने का हुक्म दिया था और हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को यानी आपके वालिद को सजदा किया था, इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नेक बेटों पर मैं सबकत नहीं लेता हूँ, आप ज़्यादा आला हैं, आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेहतरीन बेटे हैं। तो फिर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा पढ़ाई और आप अरब के इलाकों में इस्लाम का बोलबाला फैलाते रहें, आप लोगों को तकवा की दावत देते रहें, एक खुदा की इबादत करने के बारे में बताते रहें और सीधे रास्ते पर चलने की तालीम देते रहें। आप अपनी पूरी ज़िंदगी अपने वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते रहें और दीन की तबलीग करते रहें, इस्लाम की तबलीग करते रहें और अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते रहें। और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से ही इंसानी नस्ल आगे चली। हज़रत शीस का निकाह हुरिया से हुआ था, जिनसे आपके चार बेटे हुए, जिनमें से सबसे बड़े बेटे अनूश थे जो कि आपके बाद आपके जानशीन बने। हज़रत शीस ने 930 साल की उम्र पाई थी और आपने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी कौम को काबिल की औलाद से शादी करने से मना कर दिया था, इसीलिए काबिल की नस्ल हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से नहीं मिली। और काबिल की जो भी नस्ल थी वो सब जिनाकारी, शराबखोरी और आग की पूजा करते रहें, और काबिल की सारी नस्ल तूफ़ान नूह में हलाक व बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और जो 80 लोग कश्ती नूह पर सवार थे सब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे।